पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसएसपी सुनील गुप्ता के निर्देशानुसार गोरखपुर पुलिस द्वारा 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया। अभियान के दौरान कुल 200 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई व लगभग 28 क्विंटल नष्ट किया गया। इस संबंध में एसएसपी सुनील गुप्ता ने बताया कि कच्ची शराब को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि चल रहे अवैध कच्ची शराब के कारोबार पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि इस कारोबार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर दंडात्मक कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि लगातार जो है कार्रवाइयां हो रही है। अभी आज सुबह सुबह भी अर्ली मॉर्निंग में भी हमने कार्रवाई करी तो खोराबार क्षेत्र में एक महिला को गिरफ्तार किया गया और कोई 8 क्विंटल लहन नष्ट हुई और कई लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। और इसमें हम कोशिश में यही है जो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए कि सख्त से सख्त धारा लगा करके एक्साइज एक्ट में 60 की धारा के तहत भी हम कार्रवाई करेंगे। इसमें चाहे अपराधी हैं और चाहे निचले स्तर के या कोई भी किसी भी स्तर के कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।